and welcome back to the next video of Little Scholars, where futurizing your own abilities. Friends, हम बना रहे हैं हमारा first video. बहुत लंबे समय बाद class 11th के लिए हम लोग ये video बना रहे हैं. This is particularly the first video for class 11th for session 2021. ठीक है, इससे पहले भी हमारे 11th class के videos uploaded हैं. Four chapters will be there. ठीक है, right? तो इस video के अंदर हम लोग आज basics के ऊपर बात करने वाले हैं. ठीक है, आप सब लोग अभी अभी 11th class में आए हैं, सारे के सारे results के लिए काफी ज्यादा वेट कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको कहूंगा जस्ट गो फॉर द थिंग्स विच हैज मेंशनड बाय द सीबीएसई. ठीक है ना, बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं मीडिया में फेक चल रही हैं, अभी न्यूज़ फेक चल रही हैं काफी ज्यादा, किस चीज को लेके कि सीबीएसई विल कंडक्ट एग्जाम और नॉट, व्हेन विल द रिजल्ट्स कम, क्या एक्चुअली हो रहा है, कॉपीज चेक हो रही हैं या नहीं हो रही हैं. तो अभी एज सच no process will be going on. अभी तक कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं चल रहा है एट प्रेजेंट, अभी इस समय. लेट्स सी कि दो दिन तीन दिन बाद क्या डिसीजन लेते हैं एचआरडी मिनिस्टर्स एंड हाउ दे गोइंग टू स्टार्ट विद द करेक्शंस. ठीक है, तो उससे पहले आप किसी तरीके की बातों में ना आए, किसी भी चीज के ऊपर नहीं जाए. ठीक है, चलिए. बहुत सारे लोगों के मन में संशय होगा कि भाई हम लोग साइंस लें या कॉमर्स लें या आर्ट्स लें, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो दैट्स योर डिसीजन. आप क्या लेना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, फर्स्ट ये सोचें कि आपको फ्यूचर में क्या बनना है, उसके बाद अपना सब्जेक्ट डिसाइड करें. ये नहीं कि ये सब्जेक्ट हो गया आप तो यही ऑप्शन बचाए करने के लिए, दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट. ठीक है, राइट, एवरीबडी नोज कि हमारा पोटेंशियल कितना है और हमसे बेहतर हमारा पोटेंशियल शायद कोई और नहीं जानता. तो जब नहीं जानता तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं. ठीक है, तो गाइस चलिए, ये सारी बातें हैं जो हम बार बार में करते रहेंगे. हमारा पहला वीडियो आज फिजिक्स के लिए रिलीज होगा एंड every day evening 5 PM we are starting with the topic of physics. ठीक है, for class 11th and at 8 PM हमारा video upload होगा for 12th physics. ठीक है, चलिए. तो सबसे पहले मैं यहां पर बात करता हूं भाई हमको physics में पढ़ना क्या है. अभी तक हम लोगों ने जो physics पढ़ी है बहुत छोटी सी पढ़ी है. electricity के बारे में पढ़ा, light के बारे में पढ़ा, magnet के बारे में पढ़ा, अभी तक हमने यहां तक काम किया. लेकिन अब जो division है वो इतना बड़ा हो गया. अभी तक हम इतना सा डिवीजन पढ़ रहे थे, अब वो डिवीजन इतना बड़ा हो गया. ठीक है ना, तो अब हमें जो पढ़ना है वो इतना बड़ा पढ़ना है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द बुक्स के कौन कौन सी आप ले सकते हैं मार्केट में, जो भी अवेलेबल है सब अच्छी किताबें हैं. एनसीईआरटी को जरूर पकड़ के रखें, दैट इज इंपॉर्टेंट. एच सी वर्मा भी ले सकते हैं, एस एल अरोड़ा भी ले सकते हैं, दिनेश की भी जो बुक्स अवेलेबल है दे आर गुड. द थिंग इज द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न. ठीक है, उसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है, देयर इज नो शॉर्टकट. ठीक है ना, तो द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू ग्रैब द मोर यू लर्न. ठीक है, राइट, तो चलिए, है ना, ये हुई बुक्स की बात. ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई हमें फिजिक्स में इस साल करना क्या क्या है. ठीक है ना, आई होप कि आप सब लोगों ने किताब पहले दिन, जोश पोटेंशियल बहुत रहता है तो हम लोग किताब खोलते हैं, चैप्टर्स देखते भी हैं, चार दिन कहानी रहती है, अगर पांचवें दिन से कहानी बदल जाती है, कुछ ऐसा होता है. तो मैं आपके साथ सबसे पहले चैप्टर्स के बारे में थोड़ा सा एक शॉर्ट डिस्कशन आज के लिए रखा है मैंने, है ना, कि हम फिजिक्स कहां कहां पढ़ेंगे. अभी तक हमने जो फिजिक्स पढ़ी हम रिस्ट्रिक्टेड थे इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर 10th में. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पे रिस्ट्रिक्टेड थे, मैग्नेट पर रिस्ट्रिक्टेड थे, लाइट पर रिस्ट्रिक्टेड थे. ठीक है, तो इस साल इन तीनों को नहीं पढ़ना. ठीक है ना, इस साल हमें जो पढ़ना है वो 9th का अपग्रेड पढ़ना है. 9th अपग्रेड. ठीक है, राइट, फर्स्ट चैप्टर बेसिक्स है टू साइंस. ठीक है, राइट, है ना, तो बेसिक्स टू साइंस है फर्स्ट चैप्टर. सेकंड चैप्टर जो आपके लिए नया है दैट इज कंप्लीटली डायमेंशनल एनालिसिस. प्लस एरर्स. ठीक है, राइट, दैट इज सेकंड चैप्टर, है ना, राइट. ये दोनों चैप्टर्स, इसके लिए मैं आपके साथ वीडियोस को डिस्क्रिप्शन लिंक में शेयर करूंगा इस वीडियो के. ठीक है ना, राइट, चेक डिस्क्रिप्शन लिंक.
चेक लिंक इन डिस्क्रिप्शन फॉर द वीडियोस। ठीक है, इन वीडियोस के लिए आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिलेगा आपको, जहां पर आप लोग देख सकते हैं कि क्या है। ठीक है राइट, अब थर्ड चैप्टर से हमारी कहानी चालू होती है और हमने फिजिक्स को, हम यहां पर फिजिक्स को तीन चीजों के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, सबसे पहले हम जो फिजिक्स पढ़ेंगे दैट इज इन सॉलिड्स। ठीक है, सेकेंड फिजिक्स हम जो लेके जाएंगे वो लेके जाएंगे सेकंड बुक की स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर से लिक्विड्स के अंदर, और एंडिंग करते करते हम लोग गैसेस तक पहुंच जाएंगे या एटमॉस्फेयर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, साइनोसोइडल वेव्स और इन सब के बारे में हम वहां पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है राइट, तो फर्स्ट बुक के अंदर जो हमारे चैप्टर्स हैं, ठीक है ना, उन चैप्टर्स के अंदर मुझे पढ़ना है, ठीक है, मोशन एंड इट्स इफेक्ट्स। ठीक है राइट, और उसमें बहुत सारी नई चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे कि वेक्टर्स एडिशन कैसे करा जाता है। अभी तक तो हमने सिर्फ वेक्टर पढ़ा था कि वेक्टर इज अ टर्म विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बट हम अभी तक जानते नहीं थे कि वेक्टर का एडिशन कैसे हो सकता है। तो अब हम लोग एक्चुअली वेक्टर के एडिशन के ऊपर काम करेंगे इन मोशंस के चैप्टर में। ठीक है, हमने अभी तक 10th क्लास में वन डायमेंशन, 9th क्लास के अंदर वन डायमेंशन की फिजिक्स पढ़ी थी या मैक्सिमम टू डायमेंशन की फिजिक्स पढ़ी थी, बट अब हम कुछ और ऊपर चलेंगे और हम 3 डायमेंशन के ऊपर चलेंगे या 2 डायमेंशन को थोड़ा सा और ब्रॉड करेंगे। ठीक है, हम लोग प्रोजेक्टाइल जैसी टर्म्स को पढ़ेंगे, हम लोग वैक्टर्स जैसी टर्म्स को पढ़ेंगे, वैक्टर्स के एडिशन के ऊपर बात करेंगे, हम लोग रिलेटिव मोशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है राइट, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, वर्क एंड एनर्जी इसका एक पार्ट रहेगा, हम लोग लॉज ऑफ मोशन के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, उसके अलावा रोटेशनल मोशन भी आएगा, ठीक है, ग्रेविटेशन भी आएगा, और ग्रेविटेशन मार्क्स द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस फर्स्ट बुक। ठीक है, और वहीं पर हमारी सॉलिड वाली जो फिजिक्स है, हम जो सॉलिड स्टेट के अंदर जो फिजिक्स कर रहे थे वो वहां पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम चलेंगे फिजिक्स को लिक्विड में, जो कि हमने 9th क्लास में कभी गलती से एक बार इंट्रोडक्शन पढ़ा था आर्किमिडीज प्रिंसिपल का और बायंसी रूल का, तो उसको थोड़ा सा इलैबोरेट किया जाएगा किस तरीके से हाइड्रोलिक मशीन्स काम करती हैं, हाइड्रोलिक पंप्स काम करते हैं, ये सारी चीजें किस तरीके से काम करती हैं, कार्नोट इंजन कैसे काम करता है, रेफ्रिजरेटर्स कैसे काम करते हैं, थर्मोडायनामिक्स हीट कंसेप्ट्स क्या है, ये सब हम लोग बुक सेकंड के अंदर पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद हम लोग साइनोसोइडल वेव्स के ऊपर जाएंगे, जहां पर फिजिक्स में जो एनर्जी है वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है, तो वो हमारा लास्ट गैशियस पार्ट के अंदर भी वो हमें कुछ हद तक लेके जाने वाला है। ठीक है, तो यहां पर अभी तक हम समझते थे कि सिर्फ केमिस्ट्री सॉलिड लिक्विड गैस के अंदर चलती है, बट नाउ इन क्लास 11 हम लोग फिजिक्स को सॉलिड लिक्विड और गैशियस स्टेट के अंदर लेके जाने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग आज इंट्रोडक्शन और शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम लेके चलेंगे किसका, मोशन चैप्टर का। ठीक है राइट, सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि व्हाट एक्चुअली इज मोशन, मोशन होता क्या है, और मोशन सबसे पहली बात कि क्या चीज है एक्चुअली, किस चीज को, ठीक है ना, किस बला का नाम मोशन है। ठीक है ना, हम बोलते हैं भाई मोशन 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 मोशन, व्हाट इज मोशन। ठीक है, यहां पर टर्म आएगी, लेकिन मोशन को समझने से पहले हमें समझना है कि एक्चुअली क्या पढ़ना है हमें। ठीक है, तो गाइज हम लोग यहां पर मैकेनिक्स पढ़ने वाले हैं इस मोशन चैप्टर के अंदर। ठीक है राइट, मैकेनिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की जिसको तीन हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, पहला जो पार्ट है इसका वो स्टैटिक की बात करता है। ठीक है, दूसरा जो पार्ट है वो काइनामेटिक्स की बात करता है, और जो तीसरा और आखिरी पार्ट है वो डायनामिक्स की बात करता है। ठीक है राइट, जो हमें पढ़ना है, एक्चुअली वी आर डीलिंग विद काइनामेटिक्स इन दिस चैप्टर, तो इंट्रोडक्शन टू मोशन इज बेसिकली काइनामेटिक्स, मोशन इज बेसिकली काइनामेटिक्स। ठीक है, अब बात आती है जब तीनों की तीनों चीजें एक ही चैप्टर का पार्ट है, एक ही चैप्टर का हिस्सा है, तो तीनों में अंतर क्या है। ठीक है, तो तीनों का अंतर देखिए आप, जो स्टैटिक है वो बात करता है सिर्फ रेस्ट के ऊपर, इट मीन्स समथिंग विच हैज एट रेस्ट, दैट इज व्हाट स्टैटिक्स। काइनामेटिक्स बात करता है मोशन
विदाउट लॉज, ठीक है, इट वर्क्स विद विदाउट लॉज, कि कोई हमें कारण नहीं पता, बस हमें मतलब है मोशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, कितना हो रहा है, क्यों इतना हो रहा है, क्यों इतना नहीं हो रहा, क्यों इससे ज्यादा हो रहा है, इन सारी चीजों के बारे में काइनेमैटिक्स बोलता है मुझे कुछ नहीं लेना, दिस इज नॉट द मैटर ऑफ माय कंसर्न, ठीक है, राइट। अब बात करेंगे डायनामिक्स की। डायनामिक्स और काइनेमैटिक्स में एक ही डिफरेंस है, मोशन विथ रीजन, ठीक है। डायनामिक्स इज समथिंग लाइक सोच समझ के किया हुआ, एंड काइनेमैटिक्स इज समथिंग लाइक किया बट ये नहीं पता कि ये एक्चुअली क्यों हुआ, ठीक है। एंड डायनामिक्स इज समथिंग लाइक कि ये हुआ तो उसके पीछे होने का क्या कारण है और ये इतना ही क्यों हुआ। तो डायनामिक्स डील करता है उन सारी चीजों के साथ जहां पर हम उस मोशन के होने का रीजन ढूंढते हैं, ठीक है, क्यों हुआ, इसी डायरेक्शन में क्यों हुआ, ऐसे ही क्यों हुआ, ठीक है। तो अगर मैं काइनेमैटिक्स में लॉज ऐड कर दूं तो वो डायनामिक्स बन जाएगा, लेकिन डायनामिक्स बिना किसी रीजन के काइनेमैटिक्स कहलाता है, ठीक है। तो हमें जो पढ़ना है चैप्टर नंबर थर्ड के अंदर, ठीक है, चैप्टर नंबर थ्री के अंदर जो हमें पढ़ना है, दैट इज व्हाट काइनेमैटिक्स। डायनामिक्स के अंदर हम लोग जाएंगे चैप्टर नंबर फोर और चैप्टर नंबर फाइव के अंदर, ठीक है। तो चलिए हम लोग काइनेमैटिक्स के अंदर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक वर्ड लिखा हुआ है मोशन, ठीक है, और अगर मैं किसी से पूछूं तो ये बहुत ही ज्यादा नोन टर्म है, आप सब इसका जवाब दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन ऑन है कि व्हाट एक्चुअली इज मोशन, तो आप क्या कहेंगे, बोले सर मोशन इज समथिंग लाइक मूवमेंट, ठीक है। मैंने किसी दिन किसी से पूछा था भाई कि क्या जवाब है, दो दिन पहले पूछा था कि व्हाट डू यू मीन बाय मोशन, तो नया नया था, उसने कहा सर मोशन का मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है, वन सेट एक्शन, ठीक है। तो ये दो टर्म्स मेरे पास ऐसी आई थी जहां पर मुझे पता चला कि मोशन का मतलब मूवमेंट होता है, ठीक है, ये देखिए दिस इज मूवमेंट, ठीक है, बट क्या मोशन हो रहा है, क्या मैं यहीं खड़ा हूं, मेरी किसी भी चीज में कोई चेंज नहीं है, लेकिन मूवमेंट है, एक्शन हो रहा है लेकिन मूवमेंट बॉडी का नहीं हो रहा, सिर्फ कुछ पार्ट्स का हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या मेरी पोजीशन में बदलाव हो जाएगा, मैं यहां खड़ा हुआ हूं, यहां पहुंच जाऊंगा क्या, उसके लिए तो मुझे किसी चीज को बदलना पड़ेगा, और जो चीज बदलती है दैट इज व्हाट पोजीशन, इज दैट क्लियर, दैट इज व्हाट पोजीशन। तो मोशन इज समथिंग जिसमें एक्शन करने से मूवमेंट होता है और मूवमेंट करने के बाद पोजीशन बदलती है, और अगर पोजीशन बदली तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे। तो व्हाट डू यू मीन बाय मोशन, मोशन का मतलब बाय द एक्शन देयर इज मूवमेंट व्हिच रिजल्ट्स इन द चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड दैट इज टर्म्ड एज मोशन। सिंपल एक वर्ड का मतलब मूवमेंट, सिंपल तीन वर्ड का मतलब चेंज इन पोजीशन, बाय एक्शन विच रिजल्ट्स इन मूवमेंट एंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस एंड दिस रिजल्ट्स इन द मोशन, ठीक है। अब बात ये मोशन है क्या, मोशन इज द लास्ट स्टेट, और अगर मोशन लास्ट स्टेट नहीं है देन व्हाट विल बी द लास्ट स्टेट ऑफ द बॉडी, भाई एक जगह तो स्टेबल होना पड़ेगा, या तो मोशन ही एंड है, और अगर मोशन एंड नहीं है तो फिर क्या एंड है, ठीक है। तो मोशन के अलावा हमारी बॉडी दो स्टेट में रह सकती है मोशन के साथ साथ, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं व्हाट आर द टू स्टेट्स ऑफ अ बॉडी, तो हम यहां पर बात करेंगे नंबर वन स्टेट ऑफ द बॉडी इज मोशन, एंड व्हाट अबाउट द सेकेंड स्टेट ऑफ द बॉडी, दैट इज एट रेस्ट। देन अगर मोशन का मतलब एक्शन होने से मूवमेंट हुआ, पोजीशन में चेंज हुआ तो मोशन है, देन व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट, व्हाट एक्चुअली इज द रेस्ट, ठीक है। अच्छा देखो पोजीशन में तो बदलाव हुआ, मेरी तो पोजीशन बदली, लेकिन साथ साथ कुछ और भी बदला, अभी मैं यहां बोर्ड पे हूं, पीछे बोर्ड है,
अगर मैं इस कैमरा से आउट हो जाता हूं तो आप बोलोगे सर यू आर इन मोशन, ठीक है, आई एम जस्ट आउट ऑफ द रोल, है ना, आई एम इन मोशन एंड द पोजिशन ऑफ माइन इज चेंज, अब मेरे पीछे कुछ और है, क्लियर, अब मेरे पीछे कुछ और है एंड नाउ द सराउंडिंग इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली, अब सराउंडिंग लगातार बदली जा रही है, तो सराउंडिंग का बदलना भी मोशन कहला सकता है। तो मैं बोलूं एक ऐसा एक्शन जिससे मूवमेंट हुआ और पोजीशन के साथ साथ मेरी सराउंडिंग बदली, ठीक है, तो भी मैं क्या बोलूंगा, मोशन हो रहा है। बोले सर अब बोलोगे आप, बोले सर अगर पोजीशन बदल रही है तो ऑब्वियसली सराउंडिंग तो बदलनी चाहिए, तो फिर कोई एक ऐसा एग्जाम्पल निकाल के दो जहां पोजीशन तो नहीं बदले लेकिन सराउंडिंग बदल जाए, और आप बोलो आप मोशन में हो, तो भाई सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हम ट्रेन में बैठे हुए हैं और ट्रेन चल रही है, पोजीशन चेंज नहीं है बट द सराउंडिंग चेंज, तो आप खुद को किस में कंसिडर करोगे, मोशन में कंसिडर करोगे या रेस्ट में कंसिडर करोगे, और अगर रेस्ट में कंसिडर करते हो तो आप अगर अजमेर से बैठे थे तो आप दिल्ली पहुंच गए 10 घंटे बाद 8 घंटे बाद, तो आप रेस्ट में अपनी पोजीशन को कैसे बदल सकते हो, तो मोशन का मतलब सिर्फ पोजीशन चेंजिंग नहीं है, मोशन मींस सराउंडिंग चेंजेस, दैट इट आल्सो टर्म्ड एज मोशन, बहुत अच्छा, एक और एग्जाम्पल, चलो ठीक है, दिस इज वन एग्जाम्पल, यू सेड दिस इज एक्सेप्शन, ओके आई सेड ओके वन मोर एग्जाम्पल, मैं अभी भी यहीं खड़ा हूं, ठीक है ना, एस्ट्रोनॉट जो मुझे स्पेस से देख रहा है उसके लिए अर्थ 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 पर मैं हूं, उसके लिए अर्थ रिवॉल्व कर रही है और अर्थ की सराउंडिंग बदल रही है, तो अगर अर्थ घूम रही है तो अर्थ के अंदर के रखे ऑब्जेक्ट घूमने चाहिए, और अगर अर्थ के अंदर के ऑब्जेक्ट घूमने चाहिए, आई एम इन मोशन बट मैं तुम्हारे लिए तो रेस्ट पे रखा हुआ, बट मैं मोशन में हूं उसके लिए, तुम्हारे लिए रेस्ट पे, उसके लिए मोशन में, एक ही समय दो कहानी कैसे, एक ही समय दो जगह कैसे, तो सराउंडिंग बदलना भी मोशन है, सिर्फ पोजीशन ने, कभी कभी ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हमने, वी हैव कम अप विद द टू एग्जाम्पल्स वेयर द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट नॉट चेंजेस बट द सराउंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस एंड ऑल्सो वन मोर थिंग चेंजेस, अभी बात करते हैं उसके बारे में, ऑल्सो वन मोर थिंग चेंजेस, है ना, और उसी की वजह से स्टेट भी चेंज दिख रही है, ठीक है, देखना, है ना, तो वट इज मोशन, whenever there is a action, actions in movement हुआ, either the position of the object changes or the surrounding of the object changes, result in motion. And motion is not the last state of the object. It can be rest, can be motion. Depend on the situation. ठीक है? Now what is rest? Rest क्या है? Rest is something which do not have the change in position and as well as do not have the change in surroundings. ना तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन बदले और ना ही सराउंडिंग बदले, देन द बॉडी इज एट रेस्ट। अब बोलोगे सर सिर्फ पोजीशन से भी तो काम लगा सकते थे आप इस चीज पे, ठीक है ना, राइट, आप कह सकते थे कि अगर पोजीशन नहीं बदल रहा है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, लेकिन मैं फिर से वही एग्जाम्पल दूंगा, ट्रेन में बैठा हुआ हूं, रेस्ट पर हूं, पोजीशन वही है, लेकिन ट्रेन की पोजीशन चेंज हो रही है तो सराउंडिंग बदल रही है, तो अगर सराउंडिंग बदलती रहेगी देन ऑब्जेक्ट इज नॉट कंसिडर्ड एज रेस्ट। सिमिलरली मैं यहां खड़ा हूं, एस्ट्रोनॉट देख रहा है अर्थ की सराउंडिंग बदल रही है, अर्थ मूविंग, इनसाइड ऑब्जेक्ट्स मूविंग, बट आई एम एट रेस्ट, बट स्टिल द मोशन इज कंसिडर्ड एज मूविंग, है ना, राइट, तो यानी कि यहां पर दो चीजें पॉइंट हुई कि या तो पोजीशन बदले या सराउंडिंग, आप सिर्फ सराउंडिंग के बेसिस पे नहीं कह सकते मोशन हो रहा है, और आप सिर्फ पोजीशन के बेसिस पे नहीं कह सकते मोशन हो रहा है या रेस्ट हो रहा है, ठीक है, राइट, अब कहानी आती है तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, मोशन पढ़ लिया, रेस्ट पढ़ लिया, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं एग्जाम्पल्स को दोहराता हूं और दो चीजें बदलती हुई दिखाऊंगा, पहले एग्जाम्पल में मैंने कहा कि आप मुझे देख रहे, मैं खड़ा हुआ हूं, मैं रेस्ट पर हूं, यानी कि मैं आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट पर हूं, मैंने मेरा मोशन, मेरी स्टेट आपके रेफरेंस पे दी है, नंबर वन थिंग। दूसरा रेफरेंस जो मैंने लिया, मैंने कहा एस्ट्रोनॉट के लिए मैं इसी समय मोशन में हूं,
आपके लिए इसी समय रिस्ट में हूं, तो मैं दो डिफरेंट पर्सन के बारे में एक ही समय एक सिंगल पर्सन के बारे में दो डिफरेंट पर्सन की राय ले ली मैंने, ठीक है। तो अब जब भी मोशन डिस्क्राइब होगा तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि आप किसके रेफरेंस में किसके रिस्पेक्ट में वो मोशन डिस्क्राइब कर रहे हो, किस व्यूअर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। हम कहते भाई हमारा व्यू था वी आर गोइंग टू वोट फॉर बीजेपी, ठीक है। समवन सेड मेरा व्यू था आई एम जस्ट वोटिंग फॉर कांग्रेस, तो मैं ऐसे नहीं ना कहूंगा कि दोनों को वोट मिला, मैं तो ये कहूंगा उसने कहा था उसने उसको वोट दिया, तो मैंने कहा था आपके रिस्पेक्ट में मैं रेस्ट पर हूं, एस्ट्रोनॉट के रिस्पेक्ट में मैं मोशन में हूं। तो वंस द व्यूअर चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन एंड रेस्ट विल फ्लक्चुएट एट अ सेम टाइम फॉर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो यहां पर तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है दैट इज व्हाट व्यूअर, या फिर मैं बोलूं रेफरेंस। रेफरेंस इज समथिंग जिसके रिस्पेक्ट में मोशन को डिस्क्राइब किया गया है। तो अब सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको मोशन को डिस्क्राइब करना है तो आपको रेफरेंस चाहिए, अगर आपको रेस्ट को डिस्क्राइब करना है तो आपको रेफरेंस चाहिए। बिना रेफरेंस के आप ना तो मोशन डिस्क्राइब कर सकते हो और ना ही आप रेस्ट डिस्क्राइब कर सकते हो। दो पर्सन है ट्रेन में बैठे, एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, ट्रेन स्टार्ट हुई, ट्रेन मूव करना स्टार्ट हुई, वो दोनों जो ट्रेन में बैठे थे एक दूसरे के लिए रेस्ट पर हैं, लेकिन जो प्लेटफॉर्म पर है उसके लिए वो दोनों मोशन में, तो एट द सेम टाइम एक सिंगल पर्सन रेस्ट भी है और मोशन भी है, द रेफरेंस इज डिफरेंट, ठीक है। तो अब जब भी हम लोग मोशन डिफाइन करेंगे वी आर डिफाइनिंग मोशन विथ रिस्पेक्ट टू समवन, और सबसे अच्छा रेफरेंस जो हम क्रिएट करते हैं दैट इज व्हाट टाइम। तो अब जब भी हम लोग मोशन डिफाइन करेंगे वी डिस्क्राइब मोशन और रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैंने बोला 4:30 बजे ट्रेन चली, तो इसका मतलब जो ट्रेन में बैठा है वो भी मोशन में आ गया, जो बाहर खड़ा है उसको भी पता चल गया कि ट्रेन में बैठा हुआ मोशन में है, तो सबके लिए कहानी एक जैसी हो गई। तो यूनिवर्सल रेफरेंस इज टाइम, ठीक है। तो व्हाट इज मोशन, मोशन इज डिस्क्राइब्ड एज द चेंज इन पोजीशन और सराउंडिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज सेड टू बी मोशन। एक्शन से मूवमेंट हुआ, पोजीशन सराउंडिंग बदली टाइम के साथ, तो मोशन हो गया, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो दीज आर द बेसिक रूल्स फॉर डिफाइनिंग अ मोशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस वीडियो को यहीं अल्पविराम करेंगे, अगली वीडियो के अंदर हम लोग टाइप्स ऑफ मोशंस और पैरामीटर्स विच डिस्क्राइब्स द मोशंस के साथ आप लोगों को कल शाम 5 बजे मिलेंगे। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन गाइस कीप ऑन वॉचिंग लिटिल स्कॉलर्स एंड स्टे ट्यून्ड विद अस, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिए।